ओके तो चलिए भाई, अपने पास में लिखा होता है यहाँ पे, जैसे डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन इसका क्या आ जाएगा भाई, आर माइनस एक्स का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, जीरो तो जीरो नहीं हो सकता। इसका नहीं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन विच आर नॉट इन डोमेन कितना हो जाएगा, कितने एलिमेंट है, वन वन एक एलिमेंट हो गया। वन अब इसकी रेंज की बात करते हैं, तो इसकी रेंज के लिए अपन बोलेंगे कि फॉर फाइंडिंग रेंज, रेंज फाइंड आउट करने के लिए अपन इसमें क्या लिख देंगे भी, ई टू द पावर एक्स माइनस वन कर दिया और प्लस वन कर दिया, इस डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, ई टू द पावर एक्स माइनस वन आ जाएगा भाई। अरे हाँ ना बोलो, माइनस वन प्लस वन कर दिया। तो इसको लिख दिया अपन ने, ई टू द पावर एक्स माइनस वन इज डिवाइडेड बाय ई टू द पावर एक्स माइनस वन प्लस टू प्लस अपॉन ई टू द टू पावर एक्स माइनस वन। अपॉन ई टू द पावर एक्स माइनस वन ओके, तो ये लिख डाला अपन ने, तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, e टू द पावर x माइनस वन अपॉन e टू द पावर x माइनस वन कितना हो गया, वन वन। ओके प्लस ये हो गया टू अपॉन कितना, e टू द पावर x माइनस माइनस वन वन, इज दैट क्लियर। माइनस वन ओके अब यस मुझे सर बता दो कि e की पावर x का वैल्यू कहां से कहां तक होता है भाई, 0 to infinite, 0 to infinite, माइनस वन से -1 to infinite, वन अपॉन ई टू द पावर एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू माइनस वन एंड यूनियन क्या हो यूनियन जाएगा, सबसे छोटी 1 to infinite, जीरो टू इनफाइनाइट। यस ओके सर, वन ये टू जितनी वैल्यूज हैं इनफाइनाइट इन नहीं सबको मैं होगा क्या क्या? कर दूं, टू से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा टू टू द पावर, सॉरी टू अपॉन ई टू द पावर एक्स माइनस वन कहां से कहां तक बिलोंग हो जाएगा भाई, क्लियर है यहां तक सबको, इन सब में क्या कर सर देंगे अपन, यस सर वो -infinite टू -1 यूनियन 1 to infinite नहीं होगा क्या? क्यों होगा भाई, ये माइनस वन है ठीक है, यहाँ के जीरो है और यहाँ के इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल करोगे टेंडिंग टू जीरो आएगा, यस यहाँ के टू सर, लिखा होगा इसका रेसिप्रोकल करोगे 1/2 आएगा, वन यहाँ बाय के वन टू लिखा होगा इसका रेसिप्रोकल करोगे 1 आएगा, और वन यहाँ की जो भी वैल्यू होगा उसका रेसिप्रोकल ओके करोगे तो इनफाइनाइट आ आएगा, तो ये तो गया जीरो से इनफाइनाइट हुआ, इनफाइनाइट, और यस सर, इसको जैसे ही रेसिप्रोकल करोगे तो इसके पास वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल करोगे तो जीरो के पास वाली माइनस वैल्यू वन, इनफाइनाइट टू -1, वन पर माइनस वन इंफिनिट है, उसको जैसे रेसिप्रोकल करोगे तो माइनस इंफिनिट तक वैल्यू आ जाएगी, क्लियर वाली बात, यस सर, और वन का रेसिप्रोकल करोगे तो माइनस वन आ जाएगा, क्लियर हुआ अच्छे से। माइनस ओके तो यहां से यस जैसे ही सर, मैं वन प्लस टू अपॉन ई टू द पावर एक्स माइनस वन की बात करूंगा तो ये वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगी, माइनस इंफिनिट टू कितना हो जाएगा, माइनस वन और यूनियन वन से इंफिनिट, ये आई इसकी रेंज। तो वो कह रहा है कि रेंज के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, जीरो जीरो नहीं होना नहीं है, चाहिए, 1 नहीं है, और -1 नहीं है, ये वाले पॉइंट नहीं हो रहे, इसका मतलब आर में कितने पॉइंट हुए, ठीक, थ्री तो वन प्लस थ्री कितना हो गया, 4 हो फोर, गया, इज द करेक्ट। ओके सर उस मेथड से क्यों नहीं आ रहा था आंसर? उस मेथड में जो भी अपन लॉग ले रहे थे यस उसमें नंबर वंबर का सर, कुछ क्या पड़ रहा होगा कि वो नंबर पॉजिटिव हो रहा होगा या फिर नेगेटिव हो रहा होगा या फिर जो भी है ना, क्योंकि उसमें अपन ने जो भी मल्टीप्लाई किया ना ई टू द पावर एक्स माइनस वन से क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तो यस अगर सर, ई टू द पावर एक्स माइनस वन जब जीरो अगर हो रहा होगा उस केस में फिर क्या होगा, ई टू द पावर एक्स तो माइनस वन का सर वैल्यू जीरो भी ये तो हो सकते हैं, तो अगर जो भी अपन बोथ साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो वो तो किस क्वांटिटी से करते हैं, अपन नॉन जीरो क्वांटिटी से करते हैं ना, तो वो जीरो भी तो हो सकता था, ई टू द पावर एक्स 0 हो सकता है? ई टू द पावर एक्स माइनस वन से क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना बेटा, यस सर, ई टू यस द सर, पावर एक्स माइनस वन की वैल्यू जीरो, ई टू द पावर एक्स की वैल्यू जो है वो वन हो सकती है, तो वन माइनस वन तो जीरो हो सकता है ना, यस अगर लेकिन सर वो डिवाइड तो में ई टू अपन द ने पावर एक्स कंसीडर दिया होता
तो फिर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर जो अपन ने पहला जो मेथड देखा था उससे फिर एकदम सटीक आता, ठीक है ना। वो तो अपन ने कंसीडर किया ही नहीं था ना, e to the power x is equals to 1 वाला। अरे बेटा जी, e to the power x जो है उसका वैल्यू क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, वो अपन ने डोमेन फाइंड आउट करके सकता। यस सर, लेकिन उस डोमेन को फिर अपन ने कहीं यूज थोड़ी ना किया, जैसे कि इस वाले में यूज किया। हां यूज तो नहीं किया, पहले अपन ने देखा है कि डोमेन में क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, तो उसके अकॉर्डिंग चले अपन, e to the power x का वैल्यू होना चाहिए और ना चाहिए इस टाइप से। तो फिर यहां पे ये रहा ना e की पावर x माइनस वन, इसको कंसीडर किया अपन ने, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी, फिर इसको रेसिप्रोकल किया, तो रेसिप्रोकल करने पे जिस पॉइंट पे ये जीरो बन रहा था उस वाले पॉइंट को अपने इंक्लूड नहीं किया। सर इसका ग्राफ वैसा ही बनेगा क्या? हाँ ग्राफ इसका, ग्राफ हाँ ग्राफ इसका ही बन जाएगा। यहाँ पे बना देता हूँ मैं एक बार के लिए, वही तो मैंने ग्राफ देखा उसी से मैंने कहा यार ये तो फिर ग्राफ के अकॉर्डिंग फिर एकदम सही आ रहा है, सटीक आंसर आ रहा है ये वाला। तो इसके अंदर ये यहाँ की हो जाएगा माइनस ऑफ वन, ये यहाँ की हो जाएगा वन और यहाँ की हो जाएगा जीरो, ये चीज ठीक है ना। ये ऐसा होता है, ये चीज ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो भाई, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अरे बोलो बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 8। सर क्या हुआ? नहीं हुआ, तो ये कह रहा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 अपॉन x एंड x स्क्वायर फॉर सम x बिलोंग्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो देखिए भाई x का वैल्यू अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 अगर दे रखा है तो वहां से अपन देखेंगे कि 1 अपॉन x का वैल्यू कहां से कहां तक आएगा, ठीक है ना। 1 अपॉन x का वैल्यू कहां से कहां तक आएगा और उसके अंदर अपन क्या करेंगे, फ्रैक्शनल फ्रैक्शंस देखेंगे कि क्या क्या हो सकता था। फिर उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसके अंदर, एक्स स्क्वायर की जब अपन बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा, तो 2 से 3 के बीच में जो भी फ्रैक्शंस है वो सारी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि वहां पे वो दोनों की जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो क्या हो रही है, इक्वल हो रही है, ठीक है। और एक रिलेशन अपने पास में रहता है कि जब अपने पास में एक्स गिवन है तो उसका अपने पास में इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स के बारे में भी अपन बात कर सकते हैं और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बारे में बात कर सकते हैं। x क्या हो जाएगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो जैसे x स्क्वायर की जब अपन बात करेंगे तो उसमें इंटीग्रल पार्ट तो कुछ आएगा ही नहीं, तो वो सब कुछ क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ही हो जाएगा। इस टाइप से देख लेना, ट्राई किया था या नहीं किया था? जब अपन x स्क्वायर की बात करेंगे तो इंटीग्रल पार्ट नहीं आएगा। अरे एक्स स्क्वायर में इंटीग्रल पार्ट कहां से आ जाएगा, 2 से 3 के बीच की बात होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर कितना, 2। अच्छा ओके सर, 2 से 3 के बीच, स्क्वायर 2 से 3 के बीच में तो आएगा। ओके सर, ओके, उसमें कुछ इंटीजर पार्ट आएगा ही नहीं? नहीं सर, नहीं आएगा सर, ये सोचा नहीं। चलो कोई बात नहीं, तो अच्छे से सोच करके नेक्स्ट आगे वाले जो भी क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है नेक्स्ट, 3 और है सर। ओके, तो ये चार क्वेश्चंस है 8 to 11, ये वाले क्वेश्चंस करना, बाकी करने देखेंगे अपन नेक्स्ट। 11 तो हो गया था सर। यस सर, 11 हो गया था। यस सर, 10 नहीं हुआ होगा, 9 नहीं हुआ होगा और 8 नहीं हुआ होगा। नो सर, चलो इनको एक बार के लिए फिर से ट्राई करना और क्लास नोट्स के जो क्वेश्चन है उनको भी अच्छे से ट्राई करना। ओके ओके सर, ओके, चलिए फिर बाकी कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर सब लोग, अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, बेस्ट रहो, बढ़िया सीख रहे, ओके। ओके सर, थैंक यू सर, ओके बेटा, बाय।